नमस्कार, मानस मिश्रा वनली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई ने आखिरकार अपना मुंह खोला और उन्होंने न्यायपालिका और संविधान पर, और ऐसी जगह वो उन्होंने अपना मुंह खोला जो कि थी राज्यसभा, जहां पूरा देश उन्हें देख रहा था। और उसके बाद जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो साहब कांग्रेस की, जी हाँ, कांग्रेस की कलई खुल गई। संविधान के मूल संरचना से लेकर के जब उन्होंने एक एक चीज कच्चा चिट्ठा खोला तो साहब हुआ क्या, आपको दिखाने जा रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया और कांग्रेसी बौखला गए कि आखिरकार ये सीजीआई कर क्या रहे हैं, पूर्व सीजीआई। और इसलिए भी बौखला गए कांग्रेसी क्योंकि कांग्रेस के अस्तित्व विहीन करने में रंजन गोगोई का सबसे बड़ा हाथ है। क्योंकि आपको बता दें, रंजन गोगोई ने ही भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का फैसला दिया था और वो आखिरकार कांग्रेस के नंबर वन दुश्मन है। क्योंकि राम को जो कांग्रेस नहीं चाहती थी, राम का मंदिर बने, उसी राम के भव्य मंदिर के निर्माण का आदेश खुद इन्हीं रंजन गोगोई ने दिया था। पूर्व सीजीआई गोगोई का संसद में दिए बयान ने बवंडर मचा दिया। यह बयान अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में भी सीजीआई चंद्रचूड़ के सामने प्रस्तुत कर दिया है। मामला था संविधान के मूल संरचना पर बहस हो सकती है। अब जब कांग्रेस द्वारा बनाए गए काले कानून को यदि कोई इसका सच उजागर करता है तो उस पर उन्हें मिर्च लगना तय है। और यह सवाल उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि अभी हाल फिलहाल में रिटायर हुए सीजीआई गोगोई हैं। उनसे ज्यादा कानून और संविधान का जानकार देश में कुछ ही लोग होंगे। ऐसे में पूर्व सीजीआई द्वारा उठाए गए सवालों को नकारा नहीं जा सकता है। इसी मुद्दे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी सवाल खड़े कर चुके हैं। हम आपको बता दें, हम पहले से ही हम इस बात का स्टैंड करते हैं कि आखिरकार राष्ट्रपति धनखड़ ने भी आगे बताएंगे इन लोगों ने आखिरकार कैसे क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, और कैसे कपिल सिब्बल बौखलाए, उसके बाद सीजीआई चंद्रचूड़ ने क्या कुछ कहा, और पूरा मामला जब हुआ उसमें कांग्रेस की सोनिया गांधी को सबसे बड़ा झटका लगा। आपको बता दें, हम बार बार कहते आए हैं और एक बात ये मेरे ख्याल से आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि आखिरकार 140 करोड़ द्वारा चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, संसद में जब कोई फैसला लेती है उस फैसले को महज 4 से 5 लोगों की कलेजियम सिस्टम पलट देता है, सवाल तो बड़ा है। और इसको सवाल को जगदीप धनखड़ ने भी उठाया था। आगे बढ़ते हैं, सीजीआई की तरफ चलते हैं, लेकिन इस पूर्व सीजीआई जो है रंजन गोगोई, जिन्होंने मिर्च लगा दिए कांग्रेस को, आप सभी से अनुरोध करेंगे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और क्या आप रंजन गोगोई से सहमत हैं तो भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कपिल सिब्बल से सहमत है तो भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और अगर आप अभी हाल फिलहाल में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है चंद्रचूड़, उनके से सहमत है तो भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और हर एक फोन तक पहुंचा दीजिए। क्योंकि संविधान की मूल संरचना पर सवाल खड़े करना या उस पर बात करना, देखिए दो चीजें होती है, एक सवाल खड़े करना, एक बात करना। किसी चीज पे बात हो तो मुझे लगता है बात होना चाहिए, लेकिन यहां पर बात होने पर भी मिर्च लगने लग रही है। और अगर आपको लगता है हमारे कंटेंट अच्छे तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप हमें गूगल पे या पेटीएम की मदद से आप हमें हमारे सहायता राशि भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको पूरा मामला। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई के एक बयान पर घमासान मच गया है। दिल्ली सर्विस बिल पर बोलते हुए रंजन गोगोई ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत पर सवाल खड़े 8 अगस्त को जब 370 पर सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में गोगोई के इस बयान का जिक्र कर डाला तो सीजीआई चंद्रचूड़ ने उन्हें टोक दिया। कपिल सिब्बल ने क्या कहा वो समझा देते हैं आपको। कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ के सामने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, आपके एक सहकर्मी ने यहां तक कहा है कि संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी भी संदेहास्पद है।
हालांकि सिब्बल ने गोगोई का नाम नहीं लिया, लेकिन चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने फौरन उन्हें टोक दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, जवाब देते हुए कहा कि मिस्टर सिब्बल, अगर आप किसी सहकर्मी का जिक्र कर रहे हैं तो ऐसे सहकर्मी हो जो वर्तमान में हमारे साथ काम कर रहा हो। यहां से रिटायर होने के बाद हम जो कुछ कहते हैं वो हमारी व्यक्तिगत राय होती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी कहा था कि अगर फैसले ने एक बुरी मिसाल कायम की है और अगर कोई प्राधिकरण संविधान में संशोधन करने की जो है संसद की शक्ति पर सवाल उठाता है तो यह कहना मुश्किल होगा कि हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। जी हाँ, यही बेसिक स्ट्रक्चर की बात हम कर रहे हैं। हमारे संविधान की मूल संरचना क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा इसे हम समझा देते हैं। हमारे संविधान की मूल संरचना या दर्शन संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक समीक्षा और धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, स्वतंत्रता और व्यक्ति गरिमा तथा राष्ट्र की एकता अखंडता पर आधारित है। अब इन सबके बीच में, क्योंकि ये मामला चल रहा था और ये मामला किसी और चीज की सुनवाई चल रही थी, तो उस समय सोलिसिटर जनरल मेहता भी वहां पर मौजूद थे। और कपिल सिब्बल ने, क्योंकि पूर्व सीजीआई की बात को जब चंद्रचूड़ के सामने रखा तो वहां पर मेहता भी थे, तो वहां पर सोलिसिटर जनरल मेहता ने आखिरकार कपिल सिब्बल की चुटकी ली। उन्होंने कहा, मैं आश्चर्यचकित हूं इस पर कि सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, सिब्बल को टोकते हुए कहा कि इस कोर्ट में जो कुछ भी होता है संसद में उस पर चर्चा नहीं होती, इसलिए कोर्ट को भी संसद में होने वाली चर्चाओं से दूर रहना चाहिए। सोलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि रंजन गोगोई को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि चूंकि सिब्बल कल यानी 7 अगस्त को संसद में मौजूद नहीं थे, इसलिए संसद की कार्यवाही की चर्चा यहां शुरू कर रहे हैं। रंजन गोगोई ने राज्यसभा में क्या कहा? पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई ने 7 अगस्त को राज्यसभा में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी सरकार संशोधन बिल के पक्ष में अपनी बात रख रहे थे। उन्हें साल 2020 में राज्यसभा के लिए नामित होने के बाद गोगोई का यह पहला संबोधन भाषण था और इस संबोधन भाषण में उन्होंने साफ तौर पर लगभग 20 से 22 मिनट का उन्होंने वक्त लिया और एक एक चीजें जो उनके दिल के अंदर थी, जो शायद कानून के दायरे में रह करके जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो शायद नहीं बोल पाते थे, उन्होंने एक एक बातों को वहां रखा। रंजन गोगोई ने कहा, हो सकता है यह कानून मुझे पसंद ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मनमानी है। क्या इससे संविधान की मूल विशेषताओं का उल्लंघन हो रहा है? भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल अंध्य अर्जुना के केशवानंद भारती केस की किताब लिखी है, उस किताब को पढ़ने के बाद मेरी यह राय है कि संविधान के मूल ढांचे पर बहस हो सकती है और यह बहस का विषय है, इसका कानूनी आधार भी है। यह बात राज्यसभा में रंजन गोगोई ने कही थी। अब इन सबके बीच में एंट्री होती है भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का, कि संविधान के बुनियादी ढांचों को उनका क्या राय है। अब वो, क्योंकि वो भी अब संविधान के दायरे में है, तो उन्होंने इस संविधान के मूल ढांचे को ध्रुव तारा करार दिया है। उन्होंने कहा कि ध्रुव, यह एक ध्रुव तारा है जो आगे मार्ग जटिल होने पर मार्गदर्शन करता है और संविधान की व्याख्या तथा कार्यान्वयन करने वाले एक निश्चित दिशा देता है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि जब आगे का रास्ता जटिल होता है तो भारतीय संविधान का मूल संरचना अपने व्याख्याताओं और कार्यान्वयन के कारण ने वालों को मार्गदर्शन निश्चित दिशा दिखाती है। प्रधान न्यायाधीश की टिप्पणी उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ के हालिया टिप्पणी की पृष्ठभूमि में आई थी, जिन्होंने 1973 के केशवानंद भारती मामले के ऐतिहासिक फैसले पर सवाल उठाया था। अब इन सबके बीच में एक सबसे बड़ा सवाल यहां पर हम आपको कहते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि जो ये फैसला है एक बुरे मिसाल कायम किया है और अगर कोई प्राधिकरण संविधान के संशोधन करने की संसद की शक्ति पर सवाल उठाता है तो ये कहना मुश्किल होगा कि हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में हैं। यहाँ नानी
ए पालकी वाला स्मृति व्याख्यान देते हुए प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि एक न्यायाधीश की शिल्पकारी संविधान की आत्मा को अक्षुण रखते हुए बदलते हुए संविधान के साथ संविधान के पीठ की व्याख्या करते हुए निहित है। उन्होंने कहा कि हाल के दशकों में नियमों का गला घोटना, उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देना और वाणिज्यिक लेन देन का परामर्श करने के पक्ष में भारत के कानून परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। तो इन सबके बीच में सबसे हम जब यहां पर उन्होंने ध्रुवतारा बताया है, लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने जो कहा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो कहा, अब क्योंकि जब रंजन गोगोई राज्यसभा में चुने गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुने गए हैं, अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा यानी बीजेपी के ही हैं, वो चुने गए हैं उपराष्ट्रपति। अब ऐसे में अब संविधान के मूल ढांचे पर बहस की बात हो रही है या उस पर अपनी बात रखने की जब बात आती है, क्योंकि दोनों कानून वक्ता हैं और बहुत बड़े कानून के ज्ञाता हैं, अपने आप में बड़े वकील हैं खुद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, और खुद CGI पूर्व CGI इस बात को कह रहे हैं, तो सवाल में दम है। और वाकई में एक लाइन मैं फिर से बोलूंगा और उससे आप लोग सहमत होंगे कि संविधान हमें ये आजादी देता है, संविधान ही देता है कि हम लोकतंत्र हैं, वी आर डेमोक्रेटिक, और हम लोकतंत्र हैं, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, ये बात आप मानते हैं। जनता सर्वोपरि है तो जनता सरकार को चुनती है, सरकार को चुन करके संसद भेजती है, संसद में जब हमारे माननीय बैठते हैं तो उनका काम है, संविधान ही उनको ये देता है, शक्ति देता है कि वो किसी भी समय पर समय समय पर जिस तरह से डिमांड है लोगों की, पब्लिक की, जैसी आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार कानून को बनाया जाए। अब ऐसे में आवश्यकता थी CA को कानून लाना, आवश्यकता थी UCC लाना, आवश्यकता थी ट्रिपल तलाक लाना, आवश्यकता थी इस तरह के बहुत सारी चीजों की आवश्यकता थी, और वो आवश्यकता के अनुसार वो सारे कानून को जब पास कराया जाता है तो 5 जजों की खंडपीठ, मैं इसलिए कह रहा हूं ये कलेजियम सिस्टम में 5 लोग होते हैं और वो 5 लोग मिलकर ये तय कर देते हैं कि सरकार जो 140 करोड़ लोग द्वारा चुनी हुई सरकार है वो जो फैसले ले रही है वो गलत है। और ये फैशन जो है वो हाल फिलहाल में बना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेते हैं, लेकिन हमें सबसे बड़ा स्वतः संज्ञान पे सवाल तब खड़ा हो जाता है जब इस देश में वर्शिप एक्ट लाया गया, जब इस देश में वक्फ बोर्ड बनाया गया, वक्फ बोर्ड का कानून बनाया गया, हमें ये नहीं समझ आता कि उस समय स्वतः संज्ञान वाला जो डिक्शनरी में स्वतः संज्ञान शब्द नहीं था, क्यों नहीं स्वतः संज्ञान लिया गया, वर्शिप एक्ट की क्या आवश्यकता थी, चलिए ठीक है वर्शिप एक्ट की आवश्यकता थी, वक्फ बोर्ड की क्या आवश्यकता थी, वक्फ बोर्ड कानून की एक संस्था किसी भी साहब किसी भी जमीन को किसी भी चीज को कह दे मेरा है और खुद संबित जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर की पावर दे दी गई, तो क्या उस समय कलेजियन सिस्टम से जो लोग थे बैठे हुए थे, क्या उन लोगों को स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए था कि आखिर कौन सा कानून बना रहे हो जो हमारे माई बाप बिठा रहे हो, जो संविधान के ऊपर बिठा रहे हो, क्योंकि संविधान में भी बोर्ड का कोई सोल्यूशन नहीं है, संविधान में भी वक्फ बोर्ड का कोई सलूशन नहीं है। वक्फ बोर्ड अगर किसी प्रॉपर्टी को अगर हथिया लेता है तो संविधान भी नहीं उसे बचा सकता, बचाएगा कौन, बचाएगा वक्फ बोर्ड ही, यानी जिसने आपको लूटा है आपको उसी के सामने जाकर गिड़गिड़ाना है कि मेरे जो मेरी इज्जत आबरू लूटी है उस पर मुझे न्याय दे दो। ये कहां का न्याय है माननीय, सवाल बड़ा है। स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, अभी भी स्वतः संज्ञान ले सकते हैं इस कानून पे, क्योंकि स्वतः संज्ञान लेने के लिए कोई वक्त नहीं होता है, जब जागो तब सवेरा, वक्फ बोर्ड पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए।
स्वतः संज्ञान लेकर के इस पूरे के पूरे मामले को सीधे तौर पर स्टे लगा देना चाहिए तुरंत के तुरंत। और ये बोलने की आजादी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट पर हम सवाल नहीं कर रहे हैं, हम चीजों को आपके सामने एक एक करके रख रहे हैं। आप सभी अगर हमें चीजों को सहमत हैं तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।